walking alone. सब्सक्राइब कीजिए लखनऊ बॉयज 1 चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शुरू करने से पहले वो नाम जो हमारे वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो उनके नाम ये रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष्मान कुमार, आप देख रहे हैं चैनल लखनऊ बॉयज 1। तो आज इस वीडियो में मैं यहाँ आयान ऑटो सेल में आ गया हूँ, तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। अंकल ये वाली बता दीजिए, ये वाली कौन सी है? स्विफ्ट खड़ी है वाइट कलर की। हाँ, 2017 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। हाँ, 45,000 ओरिजिनल चली है गाड़ी। हाँ, 6,00,000 रुपये डिमांड है गाड़ी। 6,00,000 रुपये जी है। और इसमें भी कुछ कम थोड़ा बहुत निगोशियबल है, ज़्यादा नहीं है, 10-5,000 रुपये। और क्या माइलेज निकल आता है? 22-23 का माइलेज आता है इसका। आप पेट्रोल या डीजल? डीजल पे। अच्छा, अंदर क्या क्या मिल जाता है? अंदर VDI है ये, उसमें चारों पावर विंडो होते हैं, पावर स्टीयरिंग, AC, हीटर, ये सब फंक्शन है इसमें। और टायर अभी कितने हैं? टायर अभी 50 अबव है। अच्छा, 50 के ऊपर टायर। और इसके बगल में कौन सी है? ब्लैक कलर की है स्विफ्ट, 7 मॉडल की है ये। इसकी डिमांड है 2,10,000 रुपये, ये भी VDI वर्जन है। और कितने किलोमीटर चली है ये? 85,000 के आसपास चली है। ऑनर कितने है? थर्ड ओनर पे है ये। थर्ड ओनर जी है। डीजल पे? डीजल पे। और पावर स्टीयरिंग पावर विंडो सब कुछ है, सब कुछ है। AC हीटर सब। अच्छा, और इसकी क्या डिमांड बताइए? 2,10,000। 2,10,000 थोड़ा और इसमें भी निगोशियबल हो जाएगा। और मॉडल? 7 मॉडल। अच्छा, और इसके बगल में फिर आ गई अल्टो खड़ी है हमारी। अल्टो? K10 है ये, अल्टो K10। अल्टो K10। हाँ, 2010 मॉडल जी है। और कितने किलोमीटर चली है ये? चली है 55 के आसपास। 55 ओरिजिनल चली है अपने पास जी। और मीटर बैक तो नहीं? मीटर की कोई गारंटी नहीं। अच्छा, ओनर कितने होंगे इसका? सेकंड ओनर। और क्या डिमांड कर रहे भाई इसकी? 190। 190। और इसमें भी कुछ कम कर? थोड़ा बहुत जी, इसमें थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। एक्सीडेंटली अपने पास गाड़ी है तो नहीं? नहीं, एक्सीडेंटल गाड़ी रखते हैं ना, बेचते हैं। एक्सीडेंटल की गारंटी? गारंटी, फुली गारंटी। अच्छा, और इसके बगल में कौन सी है? फिर इंडिका खड़ी है हमारे पास। इंडिका 2008 मॉडल की। 2008 मॉडल डीजल पे, फर्स्ट ओनर है ये भी। यहाँ डीजल है, AC हीटर है इसमें भी। पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो नहीं है इस गाड़ी में। हाँ, और क्या डिमांड करते हैं इसकी? 1,25,000। 1,25,000। और कितने किलोमीटर चली है ये? नियर अबाउट 70 चली है। 70,000 किलोमीटर जी है। 70,000 किलोमीटर। क्या माइलेज निकल रहा था इसका? इसका 2,400 का माइलेज आ गया। 24 पे डीजल पे? डीजल पे। और क्या डिमांड बताइए? 1,25,000। 1,25,000 रुपये। और इसके बगल में कौन सी आ गई? फिर आ गई फीगो, 11 मॉडल की है। कितने किलोमीटर चली है ये भी? ऐसे SCC के आसपास चली है। हाँ, ओनर कितने होंगे? थर्ड ओनर पे है। थर्ड ओनर। और पावर स्टीयरिंग पावर विंडो है इसमें? 2 पावर विंडो होते हैं इसमें, पावर स्टीयरिंग, AC हीटर। अच्छा, और ओनर कितने बताए आपने? थर्ड ओनर अब पेट्रोल या डीजल? डीजल। और क्या माइलेज निकल आता है इसका? इसका भी 20 के आसपास माइलेज निकल आता है। 20 निकल आता है? 20 आराम से देती है। और क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड है 2,25,000। 2,25,000 रुपये जी हाँ। 2011 मॉडल जी हाँ। और इसमें भी कुछ काम कर रहे हैं जी हाँ। और इसके बगल में कौन सी है? फिर फोर्ड फेस्टा खड़ी है। 2010 मॉडल है। 2010 मॉडल। और कितने किलोमीटर चली है ये? चली है 70 के आसपास। ओनर कितने होंगे? ये सेकंड ओनर पे है। सेकंड ओनर पे। और पावर स्टीयरिंग पावर विंडो? पावर विंडो चारों होते हैं इसमें, पावर स्टीयरिंग, AC हीटर सब कुछ होता है। डीजल पे है ये भी, इसका भी माइलेज 20 के आसपास। और इस गाड़ी में कुछ काम तो नहीं कराना? कोई काम नहीं कराना किसी भी गाड़ी में। फ्यूल डालिए चलाइए? बस फ्यूल डालिए, ट्रांसफर करा लिए, अपने नाम चलाइए। अच्छा, पेट्रोल है या डीजल है? डीजल है। डीजल है। और इसका क्या माइलेज निकलता है? 20 बता आप ना, 20 के आसपास है, 20-21 का माइलेज आता है। और क्या डिमांड कर रहे हैं? 2,10,000। 2,10,000। अच्छा,
और इसके बगल में ये मारुति की 800 मारुति 800 है। हाँ ये 5 स्पीड है, 5 गियर होते हैं इसमें। इसमें 5 गियर हैं जी। ऑल्टो इंजन पे होती है ये। ए सी है ये। कितने किलोमीटर चली है? चली होगी ये 35 के आसपास। और मॉडल कौन सा है? 2001 मॉडल। ओनर कितने होंगे? ये फर्स्ट ओनर है। अब पेट्रोल पे? पेट्रोल पे। और क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड 75,000 रुपये, 70,000 रुपये ये देंगे एकदम। अच्छा, इसमें 70,000 से नहीं कुछ कम? 70 में कुछ कम नहीं होगा। अच्छा, और इसमें पावर स्टीयरिंग पावर विंडो है? इसमें कुछ नहीं होता, एसी होता है। अच्छा, और टायर अभी है? टायर सब बढ़िया है अभी गाड़ी पर। ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, अच्छी गाड़ी। अपने पास कोई रिपेंट तो नहीं है? रिपेंट गाड़ी नहीं रखते हैं। साइड पेंट हो सकती है बम्पर? बहुत अच्छा बम्पर वम्पर तो होता है। हाँ, फुल पेंट गाड़ी नहीं। फुल पेंट गाड़ी नहीं। अब इसके बगल में आई-10 गाड़ी है। गाड़ी है 12 मॉडल की है। 2012 मॉडल जी। पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल है ये। चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी होता है। और कितने किलोमीटर चली है? इसके भी चली है 70 के आसपास। 70,000 किलोमीटर। ओनर कितने होंगे? सेकंड ओनर। और क्या डिमांड कर रहे हैं? 285,000 रुपये। और इसमें भी कुछ कम कर देंगे? थोड़ा बहुत। CNG लगी इसमें? नहीं, पेट्रोल है, ओरिजिनल पेट्रोल। ओरिजिनल पेट्रोल। और इसका क्या माइलेज निकलता है? इसका 15-16 माइलेज आता है। अच्छा, अब इसके बगल में मारुति 800 खड़ी है। 800 है वो, 2000 मॉडल है वो। 2000 मॉडल। हाँ, वो भी अल्टो इंजन पे, 5 गियर की है। हाँ, एसी है उसमें। पावर स्टीयरिंग पावर विंडो नहीं आता है इस गाड़ी में। ओनर कितने होंगे? ये भी सेकंड ओनर पे है। कितने किलोमीटर चली? ये चली है 60 के आसपास। पेट्रोल पे है? पेट्रोल पे है। और क्या डिमांड कर रहे हैं? ये 60,000 रुपये डिमांड है इसकी, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। अच्छा ठीक। अपने पास फाइनेंस होती है? या फाइनेंस हो जाएगी। अगर लखनऊ का बंदा है, पेपर ठीक है, या सरकारी नौकर है तो फिर फाइनेंस हो जाएगी। अगर वो बिजनेस है, बिजनेस कर रहा है, ITR फाइल कर रहा है। हाँ, तो फाइनेंस हो जाएगी। अच्छा, अगर जैसे कोई अदर स्टेट का लेना चाहे तो? सरकारी नौकरी है तो कहीं का भी, किसी भी जिले का हो। हाँ, अगर स्टेट की तो नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में कहीं भी रहने वाला हो। हाँ, अगर सरकारी नौकर है तो हो जाएगी। अच्छा, गाड़िया आराम से फाइनेंस हो जाएगी? बहुत। NOC में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अच्छा, कितने परसेंट देना पड़ेगा डाउन पेमेंट? गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से बैंक जो वैल्यू लगाती है उसका 80-70% वो फाइनेंस करती है। हाँ, बाकी का डाउन पेमेंट 30-20% जो होता है वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप लोगों को इस वीडियो में मजा आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।